हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं नोड के अंदर। पहली चीज़ कि हम एक हमारी फुल फ्लैश एपीआई कैसे बना सकते हैं, दूसरी चीज़ कि एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है नोड जेएस के अंदर। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखिएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एक मॉड्यूल क्या होता है, कैसे इसको इम्पोर्ट करके कैसे इसको अगली दूसरी वाली फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमने सेकेंड फाइल भी बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं सारा कोड हटा रहा हूँ और मैं बेसिकली एक वेरिएबल लेता हूँ HTTP करके और इसमें रिक्वायर्ड करता हूँ एक मॉड्यूल, रिक्वायर करता हूँ इसके अंदर HTTP। ठीक है, और सेमी कोलन में बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ लास्ट के अंदर। देखो, HTTP नोड का एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस बने होते हैं ना, तो इसके अंदर एक अपना HTTP मॉड्यूल होता है। ये क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट सेंड करने और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ में आता है। रिक्वेस्ट सेंड करना क्या होता है, मैं ब्राउज़र खोल के आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। देखो, अभी यहाँ पे मैं ब्राउज़र से google.com बोलता हूँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई और जो ये पेज ओपन हुआ, ये बेसिकली मेरा रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, उसके लिए ये काम में आता है नोड जेएस के अंदर। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बेसिकली एक API बना सकते हैं, कैसे वो हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, देखिए, जब भी आप कोई भी नोड मॉड्यूल यूज़ करते हो ना, जो इनबिल्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने इस तरीके से नोड मॉड्यूल लिया था। ठीक है, क्योंकि अदर वाली फाइल के अंदर था वो, तो इसके अंदर कोई फाइल डिफाइन नहीं है, तो हम डायरेक्टली बिना किसी स्लैश के, बिना किसी डॉट के इम्पोर्ट करते हैं इसको। देन हम क्या करते हैं, HTTP डॉट, यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट सर्वर। ठीक है, क्रिएट सर्वर मैंने आपको पहले ही बताया था, बट क्योंकि HTTP मॉड्यूल के लिए दूसरी वीडियो है, तो इसके अंदर मैं डिटेल के अंदर बताऊँगा। क्रिएट सर्वर क्या करता है, अपने आप में एक छोटा सा सर्वर क्रिएट कर देता है जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही हो जाएगी। अब यहाँ पे आप API बना सकते हो, अपना कोड रख सकते हो और जो भी आपका क्लाइंट होगा वहाँ से इस सर्वर से API से वो गेट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये पोर्ट ओपन कहाँ पे होगा, उसके लिए हम बेसिकली लिखते हैं लिसन। ठीक है, अब लिसन फंक्शन होता है ना, यहाँ पे हम एक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। लेट से मैंने कर दिया 3900 पोर्ट कर दिया। अब जब भी कभी यूज़र को जाना होगा तो वो 3900 पोर्ट के ऊपर इस तरीके से नोड डॉट, इसको पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी यूज़र होगा इस URL के ऊपर से अपनी API वगैरह जो भी हमारा काम होगा सर्वर के ऊपर, वो सारा का सारा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर, ऐसा नहीं कि 4000 3200 किसी के ऊपर भी, बट स्पेसिफिकली इस एक पोर्ट का सर्वर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं लोकल होस्ट 3900। ठीक है, बेसिकली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी बना हुआ नहीं है यहाँ पे इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप ये लोकल होस्ट के ऊपर एक सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। अभी देखिए, इसके अंदर ये ब्लैंक है, इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स वगैरह देनी था। अब मैं रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इसके अंदर बनाऊंगा तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। सर्वर हमारा बन गया, ये सीख लिया। तो एक तो जो HTTP मॉड्यूल होता है हमारा, सर्वर बनाने का काम आता है। अब रिक्वेस्ट सेंड वगैरह कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने आपको वीडियो के अंदर फंक्शन बताया था कॉल बैक वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पे इसका सही यूज आएगा। अब ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और एनोनिमस फंक्शन इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक तो रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट के अंदर हमारा क्या जा रहा है और रिस्पॉन्स में हमारा क्या आ रहा है, ये चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। अब देखो, अब अभी तो हम रिक्वेस्ट के अंदर तो कुछ ले नहीं रहे हैं, यानी कि यहाँ कोई फॉर्म वगैरह तो होगा नहीं हमारे पास, तो वो तो कुछ लेंगे नहीं, हम खाली रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। रिस्पॉन्स हम डायरेक्टली सेंड कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रेस्प डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स से हेलो। ठीक है, और ये लिखने के बाद मैं कर सकता हूँ रेस्प डॉट एंड, कि भाई अब रिस्पॉन्स हमारा एंड हो गया है। ठीक है, जितना मैंने काम करना था कर दिया, अब इसको एंड करो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और वापस से 399 पोर्ट के ऊपर ओपन करता हूँ, 3900 के ऊपर। यहाँ पे आके मुझे एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम रिस्टार्ट नहीं करते इसको समझ नहीं आता कि कुछ चेंज हुआ भी है। अब मैं यहाँ पे आके इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे हेलो दिख गया, दैट मीन्स यहाँ से इसने डाटा दे दिया। तो ये कोई API नहीं बनी, मतलब आप कह सकते हो कि एक API की जैसे इसने डाटा दे दिया ब्राउजर के ऊपर, बट एक्चुअल API नहीं बनी। एक्चुअल API करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ता है। देखो, जब भी हम HTTP से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि इसका टाइप है क्या एक्चुअली। ठीक है, जब टाइप बताते हैं तो उसके लिए हमें हेड लिखना पड़ता है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड करके। ठीक है, राइट हेड लिखेंगे यहाँ पे, और राइट हेड के अंदर हम इसको ये बताएंगे कि
कि क्या तो उसको रिस्पॉन्स जाना चाहिए, इसको यहाँ पे जाना चाहिए, लेट्स से 200 जाना चाहिए। जब भी कोई पेज दिखता है ना, तो उसका रिक्वेस्ट होता है हमेशा 200, और वो एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं होता, न्यूमेरिक वैल्यू में होता है। और उसके बाद में जहाँ से हम जो कंटेंट टाइप हमें सेंड करना होता है वो दे देते हैं। लेट्स से कि मुझे अभी के लिए कंटेंट टाइप जेसन करना है, क्योंकि जो मोस्टली हमारी एपीआई बनती हैं वो जेसन टाइप का ही रिक्वेस्ट सेंड करती हैं, डाटा सेंड करती हैं। लिखेंगे यहाँ पे कंटेंट माइनस टाइप, और इसके अंदर हम यहाँ पे कॉलन यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद में हम यहाँ पे स्लैश करके लिख सकते हैं जेसन। ठीक है, अब हमारे पास ये तो जेसन डाटा है, तो जेसन डाटा कैसे बन सकते हैं? जेसन डाटा हम ऐसे बना सकते हैं, नेम, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं अनिल, ये हमारा जेसन डाटा बन गया। सो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया अनिल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जेसन है कि नहीं है, और उसने सही रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया? तो वो तो हम पोस्टमैन पे कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं पोस्टमैन के ऊपर। सो जैसे ही मैं इसको पोस्टमैन के ऊपर करूँगा, गेट रिक्वेस्ट तो है ही हमारी, तो ओके इसने बोला बैड स्ट्रिंग। सो लेट मी चेक कि किसने ऐसा क्यों बोला बैड स्ट्रिंग। यप, आई थिंक बाय डिफॉल्ट हम इसको इस तरीके सेंड कर सकते हैं। हमें सिंगल कोट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे और डबल कोट्स इसके अंदर लेने पड़ेंगे, और दोनों नेम और उसके पास, दोनों के पास ही लेने पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, सो अब ट्राई करते हैं कि अब ये क्या सेंड कर रहा है। यस, अब देखो यहाँ पे आ गया जेसन डाटा, बिल्कुल आपको जेसन जैसे दिख रहा है। यहाँ पे भी सही रिस्पॉन्स कर रहा है, और जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे देख सकते हो कि 200 आपके पास आ गया है। ठीक है, तो जेसन में इतना और भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि इतना ही डाटा हो। तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा डाटा करके देखते हैं। सो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा करके, और इसके अंदर ये सारा डाटा डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस डेटा को यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ तो क्या ये काम कर रहा है? लेट्स चेक, सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि यार ये तो ना स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट हो गया, आप इसको इस तरीके से चलाओ या तो, फिर तो ठीक है, इसको इस तरीके से चलाओ या तो, फिर तो समझ में भी आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने बाद में ले लिया एज, और एज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 20, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईमेल, और ईमेल हो गई लेट्स से anil@test.com। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो क्या ये चलेगा? जी नहीं, ये नहीं चलेगा, ये हमें एरर देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि जो राइट होता है ना वो स्ट्रिंग ही लेता है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर हमें यहाँ पे डाटा पास करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई कि अब हमारे पास क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास सारा का सारा डाटा आ गया। ये आपको लग रहा है कि एपीआई जैसा, और चाहो तो लेट्स से कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डाटा है तो आप उसको एक एरे के अंदर भी ले सकते हो उस तरीके से। डेटा वन कोमा डेटा टू, इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ पीटर, और यहाँ पे 22, और यहाँ पे peter@test.com। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा अगर एक से ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से एरे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं और अब इसको हिट करके देखते हैं पोस्टमैन के साथ में। ये देखिए, हमें दो भी डाटा मिल गए, तो इस तरीके से हम तीन चार पाँच जितना मर्जी डाटा वो क्रिएट कर ही सकते हैं। ठीक है, सो लाइक अगर मैं जस्ट वैसे कॉपी बना देता हूँ उसकी तीन चार फॉर अ मोमेंट कि कैसे चल रहा है देखने के लिए, नेम वगैरह सब सेम ही है। सो ये भी तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये बन गई आपकी एक बेसिक एपीआई, आप देख सकते हो। ठीक है, सो आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमने ये तो जेसन हमने एपीआई बना दी, तो हम एक वेब पेज कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने कि यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे जेसन डाटा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक वेब पेज बटन वगैरह कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम नोड के बाद में एक्सप्रेस जेएस की वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।